अच्छा लगाने से, नारे लगाने से, जम्मू में एसी रूम में बैठने से जो है वो हिंदुस्तानी साबित नहीं होता है। ये वो लोग हैं जो कश्मीर से भागे हैं, ये वो लोग हैं जो चनाब वैली से भागे हैं, ये वो लोग हैं जो रजौरी पुंछ से आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि मिलिटेंटों की हिट लिस्ट में तब भी थे और आज भी हैं। बठिंडी सुजमा को इसलिए नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये प्योर हिंदुस्तानी लोग हैं। इन्होंने जो पाकिस्तान की पॉलिसी जो प्रॉक्सी वार की थी उसको रिजेक्ट किया, मिलिटेंसी को रिजेक्ट किया, अपने लोगों को खोया। ये वो लोग हैं 1950s के बाद के लोगों की गिरदावरी लगी थी। आपने रातों रात ऑर्डर निकाला सबकी सुबह गिरदावरी गायब, पहले गिरदावरी गायब कर दी, आप जमीन गायब करने के लिए आ गए। अगर आपको इस जमीन से कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो वी आर रेडी, हम देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे से जो जायज़ पैसा मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। भाई हमारे पास 5 मरले 10 मरले, हमारे घरों का ना तोड़ा जाए। एक स्टेप लिया है कि भाई आपको 10 से 15 मरले के लिए हम छोड़ देंगे। अब मैं अलजी साहब ये संदेश देना हमें बंद कर दो कि हम सुनील शर्मा साहब को भेजेंगे, हम फलाने साहब को भेजेंगे और वो संदेशा भेजेंगे। संदेश देना बंद करो। अगर आपके पास कोई कंक्रीट पॉलिसी है हमारे लोगों के लिए, अगर कोई कंक्रीट पॉलिसी है जम्मू कश्मीर के लिए, तो वो कंक्रीट पॉलिसी ब्लैक एंड व्हाइट में सामने लाइए। जैसे एलजी साहब कहते हैं आश्वासन ही सही, हम मानते हैं आश्वासन ही सही दिया कि अब चलो ये 5 मरले वालों को 10 मरले वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, तो नीचे वाले एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं सुन रही है? ये तहसीलदार क्यों नहीं सुन रहा है? ये डीसी क्यों नहीं सुन रहा है? ये पटवारी क्यों नहीं सुन रहा है? तो मतलब एक अलग तरीके का इनका अपना जो कंसेप्ट चल रहा है। और 4 कनाल जगह किसी के पास अगर है यार, तो उसने जुर्म कर दिया क्या? उसकी 10 नस्लें यहाँ पर गुजर गई हैं, उसके पास 4 कनाल जमीन है, 3 कनाल जमीन है, तो उसको आप घर से बेघर कर दोगे क्या? वो अब उसको लैंड ग्रैबर बोलोगे क्या? बठिंडी सुजमा की आवाम के साथ साथ आम आदमी पार्टी लीडर सफीर चौधरी भी शाना बशाना खड़े हैं। पहले ही दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, जब सरकार ने ये हुक्मनामा जारी किया था तब से लेकर अभी तक ये इस हुक्मनामे की मुखालफत करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन मजबूरी तो इन लोगों की तब बनी जब बठिंडी सुजवा की आवाम को भी नोटिस दिए गए कि आप अपने घर खाली कीजिए। सफीर साहब, पहले ही दिन से आप आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि पूरे जम्मू को छोड़कर सीधे बठिंडी सुजवा की तरफ आ रहे हैं और बठिंडी सुजवा के लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कवर करने आए हमें। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आपकी विशाल से हम बहुत बार यहाँ से कह चुके हैं कि भाई अलजी साहब ज़रा सा कुछ थोड़ा सा इन लोगों के लिए सोचें, वो सिर्फ बठिंडी सुजमा के लिए नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। मैं आपकी विशाल से यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि उन्होंने कल को एक स्टेप लिया है कि भाई आपको 10 से 15 मरले के लिए हम छोड़ देंगे। अब मैं अलजी साहब ये संदेश देना हमें बंद कर दो कि हम सुनील शर्मा साहब को भेजेंगे, हम फलाने साहब को भेजेंगे और वो संदेशा भेजेंगे। संदेशा देना बंद करो। अगर आपके पास कोई कंक्रीट पॉलिसी है हमारे लोगों के लिए, अगर कोई कंक्रीट पॉलिसी है जम्मू कश्मीर के लिए, तो वो कंक्रीट पॉलिसी ब्लैक एंड व्हाइट में सामने लाइए। ऐसा नहीं है कि आप कल को एक से संदेशा देंगे, परसों का दूसरे से संदेशा देंगे और संदेशा सुनते रहेंगे। ये प्रोटेस्ट जो है अब हमारा जारी रहेगा तब तक जब तक कि आप ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कोई चीज़ नहीं देते। एक बात दूसरी, जो वहाँ से उन्होंने कहा जी 10 से 15 मरले वालों को छूट दी जाएगी, और जिसके पास 2 कनाल है, जिसके पास 3 कनाल है, 10 भैंसें रखी हुई हैं, 10 गायें रखी हुई हैं, वो कहाँ जाएगा जनाब? उसके लिए क्या सोचा आपने? ये बठिंडी सुजमा के अंदर 2-3 लोग हैं, पूरे जम्मू सिटी को दूध सप्लाई करते हैं ये लोग। इन्होंने भैंसें रखी हुई हैं, इन्होंने वो जो चरांद है इनकी ज़मीन, जिसको घासराई कहा जाता है, घासराई ज़मीन को इसलिए कहा जाता है, घासराई ज़मीन जो है वो भी माल की ज़मीन है लोगों की, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने घासराई करके दी होती है कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करना, इसके अंदर माल मवेशी को चराना। तो आप उसको भी जा रहे हो, उसके भी जो बाड़ उसके हटा रहे हो, वहाँ पर बोर्ड लगा रहे हो, वो कर रहे हो और लिख के दे रहे हो शाम को जी हमने इतनी सारी वो ज़मीन जो है वो खाली करवा ली। तो ये एक तरीके का गलत जो मैसेज आ रहा है। तो 2 बातें जो हमें समझ में आई हैं, मैं आपके साथ से कहना चाहूँगा। एक बात कि यहाँ की बीजेपी की जो यूनिट है जम्मू कश्मीर का, इसकी एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं। तो मैं आपके द्वारा पूछना चाहूँगा कि रैना साहब, अगर आपकी ये बात नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस भी गवर्नर को भेजते हैं आप, जिस भी एलजी को भेजते हैं, जिस भी एडमिनिस्ट्रेटर को भेजते हैं, वो बागी हो जाता है आपकी पार्टी से भी? ये मेरे को आज समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक बात तो मैं यहाँ से क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा कैसे हो रहा है कि बीजेपी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि रैना साहब की कंस्टिट्यूंसी के खुद के more than 80% लोग जो हैं वो स्टेट लैंड पर हैं या घासराई पर हैं। नौशहरा के लोग जो हैं 80% से ज़्यादा लोग, और वो लोग वहाँ से मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मैंने कहा जनाब आपके एरिए के MLA हैं चुने हुए, पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करिए। तो वो कहते हैं जनाब रैना साहब की तो कोई सुनता ही नहीं है। क्या रैना साहब की कोई नहीं सुनता है? अगर तो जिनकी पार्टी सेंटर के अंदर इस टाइम सरकार में है उनकी कोई नहीं सुनता, तो हमारी कौन सुनेगा फिर? तो ऐसा ये जो हिटलरशाही है कहाँ से आई है, पहली बात तो मैं पूछना चाहूँगा। दूसरी बात, एक और चीज़ यहाँ पर निकल के आई, ऊपर से एलजी साहब कहते हैं आश्वासन ही सही, हम मानते हैं आश्वासन ही सही दिया कि अब चलो ये 5 मरले वालों को 10 मरले वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, तो नीचे वाले एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं सुन रही है? ये तहसीलदार क्यों नहीं सुन रहा है? ये डीसी क्यों नहीं सुन रहा है? ये पटवारी क्यों नहीं सुन रहा है?
तो मतलब एक अलग तरीके का इनका अपना जो कंसेप्ट चल रहा है। बात की गई थी बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स को दुबोचने की, बड़े बड़े लैंड माफियाज को दुबोचने की, लेकिन बठिंडी सुजमा में कौन से लैंड माफियाज हैं, कौन से लैंड ग्रैबर्स हैं जिन्हें नोटिस दिए गए? मैं आपके हिसाब से पूछना चाहूँगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ की खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से, डीसी साहब से पूछना चाहूँगा, कोई चार नाम हमें दे दो लैंड ग्रैबर्स के जिनके पास चार कनाल से ज़्यादा जगह हो। और चार कनाल जगह किसी के पास अगर है यार, तो उसने जुर्म कर दिया क्या? उसकी दस नस्लें यहाँ पर गुजर गई हैं, उसके पास चार कनाल ज़मीन है, तीन कनाल ज़मीन है, तो उसको आप घर से बेघर कर दोगे क्या? अब उसको लैंड ग्रैबर बोलोगे क्या? आपकी हिसाब से मैं कह देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई हिंदुस्तानी है वो ये बठिंडी सुजमा के लोग हैं। कल किसी मेरे भाई ने वहाँ पर बयान दिया था, मैं उसको भी बताता हूँ, कान खोल के कल खोल के सुन ले। कच्छा लगाने से, नारे लगाने से, जम्मू में एसी रूम में बैठने से जो है वो हिंदुस्तानी साबित नहीं होता है। ये वो लोग हैं जो कश्मीर से भागे हैं, ये वो लोग हैं जो चनाब वैली से भागे हैं, ये वो लोग हैं जो रजौरी पुंछ से आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि मिलिटेंटों की हिट लिस्ट में तब भी थे और आज भी हैं। अगर उनको पता लगे कि ये लोग घरों की तरफ वापस आ रहे हैं तो आज भी मार दिए जाएंगे। ये हिट लिस्ट में क्यों आए? ये हिट लिस्ट में इसलिए आए क्योंकि हिंदुस्तान का झंडा उठा के चल रहे थे, इंडियन आर्मी के साथ शाना बशाना चल रहे थे और साथ में ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। 10,000 गोलियां जो हमारे घरों में लगी हैं। सफीर साहब, जम्मू में 18 कॉलोनीज को अभी तक रजिस्टर किया गया, फिर बठिंडी सुजमा को क्यों नज़रअंदाज किया? बठिंडी सुजमा को इसलिए नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये प्योर हिंदुस्तानी लोग हैं। इन्होंने जो पाकिस्तान की पॉलिसी जो प्रॉक्सी वार की थी उसको रिजेक्ट किया, मिलिटेंसी को रिजेक्ट किया, अपने लोगों को खोया। ये वो लोग हैं, इन लोगों ने बहुत सितम और ज़ुल्म जो है सहे, इसलिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी आप चाहती है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि इन्हीं को बर्बाद करो, ये हर बहस सर लेते हैं। लेकिन मैं आपके साथ से कह देना चाहता हूँ, बहुत सह लिया हमने, हमने पाकिस्तान की वार इसलिए सही थी, हमने अपने प्यारे खोए थे, हमने इसलिए सहा था, हमारे घर जला दिए गए थे, हमने इसलिए सहा था क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क, हमारे लोग साथ खड़े थे। आज अगर आप हमारे खिलाफ खड़े होंगे तो हम वो लोग हैं जिन्होंने मिलिटेंट को खदेड़ के तरफ, हम यहाँ पर इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटर किसी को रहने नहीं देंगे। एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि निचले तबके के लोगों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, दूसरी जानब लगातार लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपने घर खाली कीजिए। ये किस तरह का दोहरा मयार इस वक्त सरकार अपना रही है? बता रहा हूँ ना आपको, बीजेपी की एलजी साहब नहीं सुन रहे, जम्मू की यूनिवर्सिटी की तो कम से कम नहीं सुन रहे, और एलजी साहब की नीचे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही है। ये बिल्कुल क्लियर कट हमें पता लगा कि इनका कम्बिनेशन इस तरीके का। परेशानी तो निचले तबके के लोग इस वक्त सह रहे हैं ना, परेशान तो निचले तबके के लोग हैं जिन्हें अपना कारोबार छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर इस वक्त सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर की जितनी पॉपुलेशन इस टाइम पर बठिंडी सुजमा के अंदर है, वो चाहे बाद के आए हैं, चाहे पहले के आए हैं, या जो यहाँ के बसने के लोग हैं, सबका गुजारा यहाँ पर चल रहा है। एक सब्जी की दुकान से दूध बेच के, वहाँ पर किसी ने चाय की दुकान रखी है, ये जिसको कहते हैं कमर्शियल बन गया सारा। तो ये कमर्शियल वो हमारे काम है, आज वो सारे साथी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये दिन को दुकान चलाएंगे, शाम को अपने बाल बच्चे के लिए कुछ लेके जाएंगे, ये दिन को 10 कप चाय के बेचेंगे तो शाम को लेके जाएंगे। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि आप जॉब क्रिएशन में फेल हुए हो, आप यहाँ के लोगों को कोई भी सहूलियत देने में फेल हुए। हम तो लड़ाई लड़ रहे थे यार, बिजली नहीं आ रही हमारी, हम तो लड़ाई लड़ रहे थे ट्रांसफार्मर नहीं आता हमारा 3-4 महीने, हम तो लड़ाई लड़ रहे थे हमारा पानी नहीं लग रहा है, हम तो लड़ाई लड़ रहे थे हमारी रोडें ठीक नहीं है, हम तो लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारे बच्चे वहां पर जाके हर किसी पार्क में बैठे हुए हैं इस टाइम पर स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, हम तो लड़ रहे थे कि हमारे 40 से ज्यादा डिपार्टमेंट जो है इस टाइम पर जम्मू के स्ट्राइकों में बैठे हुए हैं, हम उनके लिए लड़ रहे थे। आपने बीच में से एक और मुद्दा लेके आए, एक नया मुद्दा लेके आए, अब तो आपके घर तोड़ेंगे हम। तो ये हम होने नहीं देंगे। आपकी हिसाब से हम कह देना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, जल्दी ही इसको ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कोई ऑर्डर लेके आइए आप, और एक पॉलिसी फ्रेम करिए। जो लोग इतने सालों से ज़मीन पर बैठे हुए हैं, उनके पास नकलें हैं, आपने बीच में से रातों रात एक ऑर्डर निकाला कि भी सबकी गिरदावरी काट दो, किसको पूछ के काटी थी भाई साहब? ये गिरदावरियाँ जो है लगाई गई थी गवर्नमेंट के कहने के बावजूद लगाई गई थी गिरदावरियाँ, और 1950s के बाद के लोगों की गिरदावरियाँ लगी थी। आपने रातों रात ऑर्डर निकाला सबकी सुबह गिरदावरियाँ गायब, पहले गिरदावरियाँ गायब कर दी, आप ज़मीन गायब करने के लिए आ गए। अगर आपको इस ज़मीन से कोई रेवेन्यू जनरेट करना तो वी आर रेडी, हम देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे से जो जायज़ पैसा मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं भाई, हमारे पास 5 मरले 10 मरले, हमारे घरों का ना तोड़ा जाए। उसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि ज़मीनें खाली करके हम किसी से को बाहर से लेके आएंगे और अपनी वोटर लिस्ट यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो मैं आपके साथ यहाँ से कह देना चाहता हूँ, ये कभी नहीं होगा। या होगा अगर तो हमारे लाशों के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सफीर अहमद चौधरी साहब थे हमारे साथ, और साफ तौर पर इनका कहना है कि इस तरह के हुक्मनामे हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सरकार को चाहिए कि वो जल्द अज़ जल्द कोई पॉलिसी फ्रेम करे ताकि गरीब आवाम को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बन रही है इंक्वायर रोड़े के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।